एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो जैसे आपको लास्ट ब्लॉग में देखने को मिलना है कि मैं बोल रही थी कि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तभी मैं जस्ट आई हूँ नहा के। तबीयत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। तभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लंच करती हूँ और लंच करके मेडिसिन लेती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है और तो लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे। थोड़ा लंच करके मेडिसिन ले लो, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अचानक से चेंज हो गया बैंगलोर का वेदर और जिससे बादल बादल सा किया है। कल रात में बारिश भी हुआ है और यहाँ का वेदर हमेशा चेंज होते रहता है। जो कि तबीयत कभी ना कुछ तबीयत ख़राब हुआ ही रहता है, अच्छा ही नहीं लगता है। कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। पहले जैसे बैंगलोर का वेदर नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा कब शादी हुआ था और क्या कब से मैं बैंगलोर में रह रही हूँ। आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और मैं तो आपको तो पता है, मैं जैसे अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताई थी कि मैं बिहार से हूँ, बिहार में बक्सर से हूँ मैं। तो बक्सर में मेरा मायका है या ससुराल है, और मेरे ससुराल में कौन कौन है और मायके में मेरे कौन कौन है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरे सास ससुर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरे हस्बैंड कितने भाई हैं, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने ससुराल का सब कुछ सब बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड कितने भाई हैं और कौन कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। ये सब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कल शायद मैं ये सब चीज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो देखती हूँ कल क्या होता है, जैसा तबीयत रहेगा वैसे मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं अभी लंच कर ली हूँ और मेडिसिन भी ले ली हूँ। मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ दोस्तों, शायद थोड़ा रेस्ट करूँगी तो तबीयत थोड़ा सही हो जाए। हेडेक ही हो रहा है बहुत ज़ोर से। उधर लोग बदमाशी कर रहे हैं मामा भांजा मिल के, इसलिए जोर जोर से साउंड कर रहा है वो लड्डू। तो थोड़ा देर उसको सुलाती हूँ मैं भी, थोड़ा लेटूंगी उसको लेके। नहीं सोऊँ तो उसको लेटेगा ही नहीं, दो मिनट भी सारा दिन इधर से उधर करते रहेगा। तो मैं उसको लेके भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मेरे दोस्तों मैं भी सो के जाएगी और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है तबीयत, हेडेक नहीं हो रही है, थोड़ा आराम लग रहा है तबीयत में। तो अभी जैसे जगह तो मेरे बेटे बहुत दिनों से बोल रहा है, 2-3 दिन से, मम्मी बनाना केक बना दीजिए। तो मैं वैसे मन नहीं हो रहा था बनाने के, तो अभी सोचे कि चलो कुछ खास काम नहीं है तो मैं एक बनाना केक बना देती हूँ उसके लिए। तो चलिए, मैं सोची कि आप लोग के साथ ही सब बनाना केक रेसिपी। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे बनता है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी इसका ये है रेसिपी है, आप लोग बहुत जल्दी बना सकते हो। बच्चों को खासकर बहुत अच्छा लगता है, मैं और हेल्दी तरीके से भी बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ बनाना के। और ये देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। मैं सोची कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में बना लेते हैं। Thank you.
मैं अपना ओवन को प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट्स के लिए लगाई थी, बट अभी 3 मिनट बचा है, प्रीहीट के लिए लगा दी हूँ। मैं ओवन में केक बना रही हूँ। इसके टिन में थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। रुकिए, ये मैदा डालकर चारों तरफ से फैला लीजिए। नीचे जलता नहीं, बटर जलेगा ना। इसमें थोड़ा एयर रहता है, ऐसे करके थोड़ा कुटक प्रीहीट हो रहा है। मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। मेरा ओवन प्रीहीट हो रहा था, तब तक मैं आपको बता दूँ, आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप एक कुकर रखिए और उसमें इतना लेयर तक आप सॉल्ट डाल दीजिए या बालू डाल दीजिए। उसके बाद उसको ढक के, कुकर का ढक्कन ही लगाइए, ऐसे कुकर के ढक्कन से ढक के उसको प्रीहीट कर लीजिए 10 मिनट। उसके बाद आप बैटर रेडी करिए। जैसे कि देखिए बैटर रेडी, ऐसे करके आप वो केक टिन को उसमें डाल के और कोई अच्छी चीज़ उसको अच्छी तरह से ढक दीजिए। 15-20 मिनट तक आप उसको ढके रहने से आपको तो ओवन की तरह केक बन के तैयार हो जाएगा। तभी मेरा ओवन बचा है 22 सेकंड का, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ उसको। बन जाता है तो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा सॉफ्ट बन के आता है। आप बाहर के केक खाओगे क्रीम क्रीम, इसमें क्रीम भी नहीं है और बच्चे के लिए नुकसान भी नहीं है, तब इसे बना के खा सकते हो इसके घर में। फिर मैं कौन नहीं क्यों ना, तो देखिए मेरा वो हो गया, इसमें डाल देती हूँ। तो ओपन कर लिया,
देखिए मेरा केक बन के रेडी हो गया है। अभी ये गर्म है, मैं जस्ट अभी निकाली हूँ इसको। ठंडा होने के बाद इसको दिखाऊंगा। देखिए कितना फ्लफी बन के निकला है। थोड़ा देर ठंडा हो जाता है फिर इसको मैं कट करके आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए मैं केक ठंडा हो गया, मैं निकाल लूँ। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। ऐसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार। मैं चलिए दे देती हूँ। अच्छा दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।